दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए बी ब्यूटीफुल चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। ऑल नोटिफिकेशन को जब आप प्रेस करोगे तो आपके पास जब भी मैं वीडियो कोई अपलोड करूंगी सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। गाइस वेलकम अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम हेयर फॉल के बारे में बात करेंगे। हेयर फॉल सबको होता है, मुझे भी होता है, आपको भी होता होगा और सभी को कभी ना कभी ये प्रॉब्लम होती है। और आज के टाइम में 80-90% लोगों को हेयर फॉल है। रीज़न बहुत सारे हैं। डिप्रेशन की वजह से हो सकता है कि आपको टेंशन है कोई किसी बात की, कोई बहुत ज़्यादा टेंशन है, आप बहुत ज़्यादा सोचते हो तो उस वजह से हो सकता है। केयर नहीं करते हो बालों की, ठीक से सफाई नहीं रखते हो, अच्छे से शैम्पू नहीं करते हो, उसकी वजह से भी हो सकता है। या न्यूट्रिशन की कमी की वजह से हो सकता है कि आपके खाने पीने में प्रॉपर न्यूट्रिशन आपको नहीं मिल रहा है कि आपके बाल हेल्दी रहें। साथ ही अगर आप वर्कआउट बहुत ज़्यादा करते हो, जो लोग वर्कआउट करते हैं, जिम करते हैं, उनको भी हेयर फॉल होता है क्योंकि शायद पसीने की वजह से बालों में जब भी वर्कआउट करते हैं तो पसीना बहुत ज़्यादा आता है और उसकी वजह से रूट्स वीक हो जाती हैं और हेयर फॉल होने लगता है। या तो फिर आप दवाएं ले रहे हो किसी चीज़ की, आपकी कोई मेडिकल कंडीशन है यानी आपकी कोई तबीयत ख़राब है, आप बीमार हो, तो कुछ दवाएं भी ऐसी होती हैं कि आपका ट्रीटमेंट चल रहा है तो उससे आपको हेयर लॉस होने लगता है। या आप गलत प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, शैम्पू या बालों के जो भी प्रोडक्ट हैं वो आप गलत यूज़ कर रहे हो, आपको सूट नहीं कर रहे हैं, उससे हेयर फॉल हो सकता है आपको। साथ ही एक इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अपने हेयर में ट्रीटमेंट कराते हो, केमिकल ट्रीटमेंट, या आप कलर्स लगाते हो, या बहुत सारे मतलब जैसे कई बार स्मूथनिंग के बाद, स्ट्रेटनिंग के बाद हेयरफॉल होने लगता है। और वैसे भी बाल जो है ना वो हमारी खूबसूरती है, चाहे आप लड़के हो लड़की हो, हर किसी की खूबसूरती बालों से ही कई गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर हमारे बाल हेल्दी हैं और थिक हैं, शाइनी हैं। लेकिन अगर रफ ड्राई हैं या तो फिर बहुत ज़्यादा थिन हैं, झड़ रहे हैं, गंजापन आने लगा है, तो उसमें काफ़ी हद तक आपके लुक पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। आज आपको कोई होम रेमेडी नहीं बताऊंगी, कुछ लगाने के लिए नहीं बताऊंगी, लगाने से अलावा भी आप कुछ ऐसा कर सकते हो जिससे आपका हेयर फॉल काफ़ी हद तक कम हो जाएगा और कम होते होते ठीक हो जाएगा। और जो मैं तरीका बताऊंगी उससे आपका हेयर फॉल तो रुकेगा ही और साथ ही आपके हेयर ग्रोथ भी होगी, न्यू हेयर ग्रोथ होगी और आपके बाल जो हैं वो हेल्दी होंगे। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखेगा क्योंकि बिल्कुल इफेक्टिव तरीका है और बहुत ही आसानी से कर लोगे, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? तो इसके लिए आपको नीचे की तरफ झुक जाना है, खड़े हो जाइए पहले स्ट्रेट और फिर आप अपने सिर को, अपने बालों को आगे की तरफ लटका लीजिए, झुका लीजिए, इतना कि आप का जो ब्लड फ्लो है बॉडी का वो आपके हेड की तरफ हो जाए, आपके बालों की तरफ हो जाए, क्योंकि बालों को हेल्दी रखने के लिए ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी होता है। और इसीलिए हम मसाज करते हैं, हम ऑयलिंग करते हैं, मसाज करते हैं, ये भी एक तरह से मसाज है, लेकिन इसमें आपको ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 5 मिनट रोज़ाना सुबह को कर लीजिए, रात को कर लीजिए, किसी भी टाइम कर सकते हो जब भी आपके पास टाइम हो। आप मसाज करने के साथ साथ इस तरह धीरे धीरे से अपने बालों को बीच बीच में कोंब भी करोगे। आपके पूरे सिर में आपको कंघा करना है, कम से कम आप 40 से 50 बार एक टाइम में कंघा इस तरह से करोगे और दिन में 3 बार आपको अपने स्कैल्प पर इस तरह से कंघा करना है, ये याद रखिएगा ज़रूर। अब आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है, हेयर फॉल ख़ास तौर से है, तो दिन में 3 बार इससे भी आपके स्कैल्प की मसाज होती है। हमारी बॉडी का एक हीलिंग सिस्टम होता है, जब भी बॉडी में कहीं भी कुछ इंजरी होती है तो जो हीलिंग सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है और उस इंजरी को ठीक करता है। लेकिन कई बार होता है कि हम अपने बालों पर ध्यान देना बिल्कुल छोड़ देते हैं, तो इसलिए जो हीलिंग सिस्टम है उसका ध्यान भी हमारी बालों से हट जाता है, हमारे स्कैल्प से हट जाता है। जब हम खुद ही नहीं ध्यान दे रहे हैं, उसको याद दिलवाना पड़ेगा ना हमें। तो आपको याद दिलवाने के लिए क्या करना है, आपको इस तरह से मसाज करनी है आगे की तरफ, अपने बालों को लटकाकर, अपने सिर को लटकाकर या फिर कोंब करके, दोनों ही चीज़ें साथ में कर लीजिए तो जल्दी आपको फ़ायदा मिलेगा। इससे आपकी बॉडी को, आपके हीलिंग बॉडी के हीलिंग सिस्टम को ये मैसेज जाएगा कि यहाँ पर मरम्मत की ज़रूरत है, यानी कि यहाँ पर कुछ भी ऐसा हुआ है जिसको हील करने की ज़रूरत है। तो आपको ये रिपीट करना है, रोज़ाना कीजिएगा, सुबह शाम दोनों टाइम कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन एक टाइम तो कर ही लीजिए, वो भी सुबह में। इससे आपकी हेयर ग्रोथ भी होगी, बाल अगर लंबे जल्दी से नहीं होते हैं तो बाल इससे आपके लंबे भी हो जाएंगे। तो दोस्तों आई होप वीडियो आपको बहुत पसंद आया हो, बहुत यूज़फुल टेक्निक है, प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए।